नमस्कार दोस्तों, अभी अभी खबर ये आ रही है और आज तो मतलब सारी दुखद भरी खबर ही आ रही है। अभी अभी खबर ये आई है कि जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एन बीरेन सिंह, उनके काफिले पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। टेररिस्ट अटैक कहें या मिलिटेंट अटैक कहना ज्यादा सही रहेगा। एक मिलिटेंट अटैक हुआ है उनके काफिले के ऊपर में, के साथ में कई सारे सिक्योरिटी पर्सनल थे वो भी घायल हुए हैं। और ये नेशनल हाईवे 37 पर ये पूरी घटना की गई है। नेशनल हाईवे 37 के पास एक डिस्ट्रिक्ट था कांग पोकपी डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर वो विजिट करने जा रहे थे और तभी ये सारा जो एम्बुश करके इनकी कॉन्वॉय को उसके ऊपर लगातार ये मिलिटेंट ने अटैक किया, लगातार गोलियां चलाई हैं। अभी तक ये रिपोर्ट नहीं हो पाया है कि कौन इसमें एग्जैक्टली इन्वॉल्व था, कौन सा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व था। आपको पता है कि मणिपुर की प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है, वहां पर इतने सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कि सबको रिकॉग्नाइज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहां पर ड्राइव चल रही है गवर्नमेंट की लगातार और बहुत जल्दी उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब देखो, एन बीरेन सिंह की बात करूं तो वो काफी सुर्खियों में रहते हैं, उनके ऊपर कई सारा इल्जाम लगता है कि जो पूरी मणिपुर की प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में एन बीरेन सिंह का जो मिसमैनेजमेंट था मणिपुर को लेकर के, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम फिर से शुरू हो चुकी है। और आपको पता है कि मणिपुर वायलेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले एक साल में, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। और सरकारों ने कभी, अब सरकार नई फॉर्म हुई है तो आई डोंट नो कि वो क्या करते हैं, लेकिन सरकारों ने कभी सही तरीके से उस पूरे इशू को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी। कोशिश हुई है लेकिन वो कोशिश कभी आगे नहीं बढ़ पाई, उसको टाला गया है ज़्यादातर मणिपुर की वायलेंस को। तो आज एन बीरेन सिंह के बहाने हम पूरी मणिपुर की प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर आपको एन बीरेन सिंह का रोल उसमें समझ में आएगा कि क्यों माना जाता है कि इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है वहां पर, क्यों इनसे इस्तीफा डिमांड की करती है कुकी कम्युनिटी। तो देखो, आपको जो ओवरव्यू पता है, बहुत डिटेल में मैं आपको ये सारे इशूज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक अच्छा ओवरव्यू आपको इस पूरे डिटेल मणिपुर वायलेंस का दे दूंगा कि वहां पर एक्चुअल इशू है क्या। वहां पे देखो, बहुत लोग कहते हैं ये रिलीजियस इशू है मणिपुर का, बहुत लोग कहते हैं ये एथनिक इशू है। मुझे लगता है ये अपने अपनी डिमांड्स का इशू है वहाँ पर। एथनिक इशू तो पहले भी था, रिलीजियस इशू को कह ही नहीं सकते इस पूरे मामले को, रिलीजियस इशू कहीं से भी नहीं है ये, बहुत हद तक ये एथनिक इशू है और अपने अपने डिमांड्स का इशू है मणिपुर के अंदर में, जितना मैं इस इशू को समझता हूँ। अब देखो हुआ क्या है इस पूरे मामले में, शुरू कैसे होता है। ये पूरा शुरू किया हुआ मामला उन अंग्रेज़ों का ही है जिन्होंने हर जगह पर लड़ाई लगवाई है, यहाँ पर भी उन्हीं अंग्रेज़ों के द्वारा ये लड़ाई लगवाई गई थी। अब इसका सबसे पहला कारण जो है पूरे मणिपुर में प्रॉब्लम का, वो उसकी ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी है। तो मैं इसको ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आप मणिपुर का मैप देख रहे हो और इस मैप में दो प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पर आप देखो, साइड साइड का जो पूरा रीजन है ये एक्चुअल में हिली एरियाज है मणिपुर के अंदर में, और जो बीच वाला रीजन है वो आपको एकदम बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। ये जो प्लेन रीजन दिख रहा है ये एक्चुअल में इम्फॉल वैली है, और ये इम्फॉल वैली जो है ये पूरा प्लेन है एरिया, और बाकी जो रीजन है ये हिली रीजन है। अब यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो लार्जली डिवाइडेड है, मतलब जो हिली रीजन्स हैं उसमें दो तरीके की कम्युनिटीज़ रहती थी। अब इन कम्युनिटीज़ का नाम बाद में चल करके रखा गया है, लेकिन जब शुरुआत थी तो आपको पता है यहाँ पर पूरे मणिपुर के अंदर में 500 ऐसी छोटी छोटी ट्राइब्स रहती थी, और ये ट्राइब्स जो हैं वो लगातार आसपास के एरियों में मूव भी करती रहती थी। जैसे कुछ ट्राइब है बगल में म्यांमार का बॉर्डर है तो म्यांमार में चली गई, नागालैंड उधर इधर वाली ट्राइब का इधर से बॉर्डर लग रहा है नागालैंड के साथ, इधर का जो रीजन है इसका बॉर्डर लग रहा है मिजोरम के साथ। तो आपस में छोटी छोटी ट्राइब्स जो हैं वो लगातार मूव भी करती रहती थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि इसीलिए इनकी पॉपुलेशन काफ़ी डाइवर्स है। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप से समझाऊं तो देखो, ये मणिपुर है हमारा और मणिपुर का जो बॉर्डर लग रहा है वो म्यांमार के साथ भी है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मिजोरम है। तो इस तरीके से ट्राइब्स जो हैं वो लगातार इधर इधर मूव करती रहती थी, आधा म्यांमार के बॉर्डर में, इधर नागालैंड के बॉर्डर में, और ये अलग अलग ट्राइब्स थी। अब इनका नाम कैसे दिया गया है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हुआ क्या है कि अब ये जो डिस्पैरिटी थी लोगों की, तो मतलब जाहिर सी बात है ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ पर जो ट्राइब रह रही थी ये एक्चुअल में थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी, यहाँ की हिली रीजन्स की जो ट्राइब थी वो थोड़ी आइसोलेटेड थी, वो अनडेवलप्ड थी, अंडर डेवलप्ड थी। तो अब उसी तरीके से इसका डिवीजन हुआ। तो जब अंग्रेज आए तो यहाँ का जो ट्राइब्स रहती थी इनका नाम था, इनको नागा ट्राइब नाम दे दिया गया अंग्रेजों द्वारा ही, और उसके बाद यहाँ पर जो ट्राइब रहती थी इनका, इनको कुकी ट्राइब का नाम दे दिया गया। अब ये कुकी ट्राइब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में मेजर रोल प्ले कर रही है, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो बीच में इस मतलब इम्फाल वैली वाले रीजन में रह रही थी ट्राइब, इसका नाम था मैती कम्युनिटी, ठीक है। अब ये जो मैती कम्युनिटी थी, नागा कम्युनिटी थी और कुकी कम्युनिटी थी, शुरुआत में ये सब लोग एक साथ ही रहते थे, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इन लोगों में प्रॉब्लम्स नहीं थी उस टाइम पर। और ये आपको पता है कि मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। अब इस प्रिंसली स्टेट की कई सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि इसकी बाउंड्री जो है वो म्यांमार के साथ में लगती थी। अब म्यांमार में जब भी डिस्टर्बेंस होती थी, म्यांमार में भी ढेर सारी ट्राइब्स थी। अब ये ट्राइब्स आपस में क्लैश में रहती थी हमेशा। आप देखोगे अगर हिस्ट्री में उठा करके भी, पहले भी, तो जितने भी ट्राइबल वॉर हुए हैं वो सब
किसके लिए हुए हैं? जमीनों के लिए हुए हैं, फॉरेस्ट पर कब्जे के लिए हुए हैं ट्राइब्स में आपस में, और इन ट्राइब्स का जो पूरा इकोसिस्टम है वो इन्हीं फॉरेस्ट के अराउंड रिवॉल्व करता था। तो उसी तरीके से म्यांमार की जो ट्राइब्स थी वो अपने वर्चस्व के लिए मणिपुर में एंटर करती थी, अटैक करती थी मणिपुर को, मणिपुर जो है वो अपने वर्चस्व के लिए म्यांमार की स्टेट को अटैक करता था, वहां पर भी राजघराना था। तो इसमें ये लड़ाइयाँ चलती रहती थी, लेकिन एक टाइम पर मणिपुर के राजा जो थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, क्योंकि वो माना जाता था कि सिर्फ एक ट्राइब के राजा हैं जो मणिपुर के राजा थे, उनको बोला जाता था वो मैती कम्युनिटी के ही सिर्फ राजा हैं। हालांकि बाद में फिर से वो जो गद्दी थी वो चेंज हुई और फिर दूसरी कम्युनिटी के राजा बने, तो इस तरीके से ये चेंज होता रहता था आपस में। अब ये मैं आपको 1800 के सन 1800 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं हर जगह पर, तो उसके बाद अंग्रेजों ने आपको पता ही है कई सारे हथकंडे अपना के अपना राज किया है। तो अंग्रेजों का राज अगर आप देखोगे तो वो हिली रीजन्स को छोड़ देते थे एज इट इज़, बिकॉज उसको एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल था। वो ज़्यादातर प्लेन रीजन पर ही उसको ही अपने अम्ब्रेलास में लेते थे। तो यहाँ के जो मणिपुर के राजा थे इन्होंने खुद अंग्रेजों को इन्वाइट किया था अपनी हेल्प के लिए, ताकि वो म्यांमार को हरा पाएँ और म्यांमार से जितनी इन्फिल्ट्रेशन होती है मणिपुर के अंदर में उसको रोक पाएँ। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपका ध्यान लाना चाहूँगा कि जो मैती कम्युनिटी थी इसके जो राजा थे, ये कम्युनिटीज़ जो थी, ये ट्राइबल्स जो थे, ये किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे। आपको भी पता होगा दे वर लार्जली पेगन्स, तो ये किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो मैती कम्युनिटी में के जो राजा थे वो टच में आते हैं एक सेंट के, और फिर वो हिंदुइज़्म अपना लेते हैं, और उसके बाद जो मैती पॉपुलेशन है वो भी हिंदुइज़्म अपना लेती है, और अभी तक ये ट्राइब्स कोई रिलीजन नहीं फॉलो कर रही है, ना कुकीज ना नागास। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अंग्रेजों को वो इनवाइट करते हैं कि भाई आप हेल्प करिए हमारी, ताकि हम म्यांमार से लड़ पाएं। और उस समय ये तीनों ट्राइब्स मतलब नागास, कुकीज और मैती सब मिल करके म्यांमार से एक युद्ध लड़ रहे हैं म्यांमार से। उसके बाद एक पूरा युद्ध होता है जिसको एंग्लो बर्मीज वॉर आप कहते हो। अंग्रेज हेल्प करते हैं और इस हेल्प में अंग्रेज जो है वो जीत जाते हैं और म्यांमार को हरा देते हैं। यहाँ का राजघराना जो है वो पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है, लेकिन अंग्रेज किसी को फालतू में तो हेल्प करते नहीं है, तो इनको पूरा अपने अम्ब्रेला के अंडर में ले लेते हैं अंग्रेज ये पूरी इंफाल वैली वाला रीजन, और बाकी के हिली ट्राइब्स को इन्होंने एज इट इज छोड़ दिया था। तो अब हुआ क्या है कि ये जो इंफाल वैली वाला जो रीजन है, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको अपने अंडर में ले लिया, तो जितनी भी डेवलपमेंट हुई वहां पर, डोमिनियन स्टेटस तो था इनके पास, लेकिन जितनी डेवलपमेंट हुई वो इस रीजन में हुई, हिली रीजन को उन्होंने इंटैक्ट ऐसे ही छोड़ दिया उन ट्राइब्स के भरोसे में। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में जब अंग्रेज यहां से गए हैं इंडिया को छोड़ करके, तो आपको पता है कि ये मणिपुर उस टाइम पर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, और मणिपुर क्योंकि प्रिंसली स्टेट हुआ करता था तो उसको क्या करना था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना था अगर इंडिया के साथ जुड़ करके रहना, लेकिन डोमिनियन स्टेटस इंटैक्ट रहेगा। तो मणिपुर ने वही किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 1947 में साइन कर दिया और यूनियन गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया इंडिया की, लेकिन डोमिनियन स्टेटस उनके पास एज इट इज रहेगा। मतलब फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन जो है और इंटरनल सिक्योरिटी जो है, सिर्फ ये तीन चीजें जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के पास, बाकी डोमेस्टिक अफेयर्स जितना भी होगा वो वहां के राजा ही संभालेंगे। हालांकि यहाँ पर कुकीचिन कम्युनिटी का डिमांड ये था कि ये जो राजा राजघराना है इसको ख़त्म कर देना चाहिए और डेमोक्रेसी लानी चाहिए। तो इसके लिए भी राजा ने एक काम किया था, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया था 1947 में, मणिपुर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिकोगनाइज करने से मना कर दिया था। उनकी डिमांड ये थी, और तो उससे क्या होता है ना कि जो मना किया था उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करने से, तो जम्मू एंड कश्मीर से इसको कंपेयर किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में तो आपने एक्सेप्ट किया, फिर यहाँ मणिपुर के अंदर में आप क्यों उसको डिनाई किया है। हालांकि वो नहीं मानती है इंडियन गवर्नमेंट, और वो मणिपुर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। तो फिर इन लोगों ने कोशिश ये करी कि हम अपनी ही समिति बना करके एक कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे और उसको अपने असेंबली, स्टेट असेंबली से पास करा करके हम यहाँ पर लागू करेंगे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए भी तैयार नहीं होती, और यहीं से पूरी जो इंडियन गवर्नमेंट और बाकी की कम्युनिटीज़ की लड़ाई है वो एक्चुअल में शुरू हो जाती है। फिर फाइनली एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद यहाँ पर एक्चुअल में लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट पर भरोसा करना छोड़ दिया। वो घटना थी 1949 की। 1949 में क्या होता है कि जो राजा होते हैं मणिपुर के, वो एक काम से आते हैं न्यू दिल्ली पर, और न्यू दिल्ली में काम से आते हैं उसके बाद उनको सरकार पकड़ करके हाउस अरेस्ट कर देती है, और हाउस अरेस्ट के बाद 1949 में उनसे एक मर्जर एग्रीमेंट साइन करवा दिया जाता है, जिसके बाद मणिपुर जो है वो टोटली, वो उसने अपना डोमिनेंट स्टेटस लूज कर दिया और टोटली जो है वो इंडियन गवर्नमेंट मतलब इंडियन यूनियन में शामिल हो चुका था। अब इसके बाद जो वहाँ के लोकल्स थे, जो कुकी कम्युनिटी से भी थे, मैती से भी थे, नागा कम्युनिटी से भी थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। देखो उसमें से कुछ लोगों के सबके अपने अलग अलग डिमांड्स थे। जैसे नागालैंड, नागा कम्युनिटी की अगर बात करें तो उनका डिमांड था ग्रेटर नागालैंड, मतलब कि जितना भी नागा पॉपुलेशन उन सबको मिला करके एक कंट्री बनाएंगे। उकी जो कम्युनिटी थी उसकी डिमांड ये थी कि नहीं, रहना तो हमें इंडियन गवर्नमेंट के साथ में ही है, लेकिन हमारा डोमिनियन स्टेटस इंटैक्ट रहना चाहिए। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स थी इन दोनों कम्युनिटीज़ को इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और उनका ऐसा कहना था कि 1949 में जो एक घटना हुई वो इंडियन गवर्नमेंट के साइड से, ये घटना सबसे बड़ा भद्दा दाग है
इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर में, क्योंकि इन्होंने जो राजा के साथ किया था वो टोटली गलत था, ऐसा कुकी कम्युनिटी का मानना था और ऐसा नागा कम्युनिटी का भी मानना था। लेकिन मैती कम्युनिटी कहीं ना कहीं यहाँ गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करती थी, गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि क्या होता है इस पूरी घटना में। अब 1949 में मणिपुर की जो पूरी प्रॉब्लम्स है मैंने आपको बताई दी, ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती जाती है। मणिपुर के साथ कई सारी सीन होते, कभी वो यूनियन टेरिटरी बनता है, कभी स्टेटहुड बनता है। फाइनली 1972 में उनको फुल स्टेटहुड दे दिया जाता है। अब फुल स्टेटहुड बनने के बाद जो मेजर चीज थी वो ये थी कि जिसके पास शेड्यूल ट्राइब का दर्जा होगा वो कम्युनिटी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो अब शेड्यूल ट्राइब बनेगा कौन, इसके लिए क्या नियम है? नियम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, आर्टिकल 342 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, जो भी हमारे प्रेसिडेंट होंगे, उनका एक नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन से वो नोटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी कम्युनिटी को SC स्टेटस दिया जाएगा इंडिया के अंदर में। अब ये जो SC स्टेटस किन कम्युनिटीज़ को देना है और प्रेसिडेंट की जो नोटिफिकेशन आनी है उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसको लोकुर कमेटी कहा गया। अभी जो लोकुर कमेटी थी इसमें क्या हुआ कि लोकुर कम्युनिटी ने काफ़ी स्टडी किया और 5 बेसिक प्रिंसिपल्स निकाले कि इन प्रिंसिपल्स को जो सेटिस्फाई करेगा उसको SC स्टेटस दिया जाएगा उन ट्राइब्स को। और ये प्रिंसिपल्स कैसे थे, बेसिकली आइसोलेशन के बेसिस पर, प्रिमिटिवनेस के बेसिस पर, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आपको ST कम्युनिटी ST स्टेटस देना था। तो इसमें क्या होता है कि लोकुर कम्युनिटी क्या करती है, वो एक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में निकालती है पूरा डेटा कि इन कम्युनिटीज़ को दिया जाना चाहिए, इन कम्युनिटीज़ को ST स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि मैती कम्युनिटी जो कि सबसे ज़्यादा खुश थी सरकार के साथ जुड़ने में, उनको ST स्टेटस यहाँ पर नहीं मिलता है। और बाकी की जो दो कम्युनिटीज़ थी यानी कि कुकी कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी, इन दोनों को ST स्टेटस वहाँ पर मतलब मणिपुर के अंदर में दे दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, अब आपको पता है कि ST स्टेटस दे दिया गया तो एक तरफ मैती कम्युनिटी जो कि थोड़ा सा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी वो भी खिलाफ हो जाती है इस वजह से कि भाई हमको ST स्टेटस नहीं दिया गया, तो उनकी डिमांड है ST स्टेटस की। दूसरी तरफ है कुकी कम्युनिटी, वो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं। तीसरी तरफ है नागा कम्युनिटी जो नागा ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। तो इन सारी डिस्पैरिटी, इन सारी इशूज़ की वजह से, गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के इशूज़ की वजह से वहाँ पर अलग अलग वायलेंस अलग अलग तरीके से शुरू हो जाते हैं 1972 के बाद। और 1972 के बाद जो है इन कम्युनिटीज़ ने अपनी अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी। मैं कहूँगा इसमें कहीं ना कहीं बगल के भी देश शामिल थे, म्यांमार, चाइना का जो पूरा एक गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है, म्यांमार, लाओस और चाइना का, उसको गोल्डन ट्राइंगल में काफ़ी स्मगलिंग होती है ड्रग्स वगैरह की। तो ये लोगों ने हथियार से सपोर्ट किया इन कम्युनिटीज़ को और इन कम्युनिटीज़ की जो डिमांड से उनका फ़ायदा उठाया इंटरनेशनली। तो इन कम्युनिटीज़ ने अपनी अपनी एक आर्मी बना ली, जैसे उसमें सबसे प्रमुख आर्मीज़ का मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक नागालैंड जो नागा कम्युनिटी ने अपनी आर्मी बनाई उसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। दूसरी जो प्रमुख आर्मी बनी वो कुकी कम्युनिटी की आर्मी बनी, कुकी नेशनल फ्रंट यानी KNF मिलिट्री काउंसिल। तो ये KNF मिलिट्री काउंसिल जैसी ऐसी मतलब कम से कम 100-150 से भी ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स अभी भी मणिपुर के अंदर में काम कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको कुछ का नाम बताया जो काफ़ी फेमस है। एक काफ़ी फेमस आपने नाम सुना होगा UNLF। अब ये जो UNLF है जिससे अभी लगातार गवर्नमेंट की बात चल रही है, पीस टॉक्स चल रही है, उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है, ये भी उसी टाइम की आर्मी है, ग्रुप है। ऐसे कई सारे ग्रुप हैं, कुकी चिन कम्युनिटी का एक ग्रुप है, कुकी मिलिट्री वो अलग है। और ये सारी मिलिट्रीज जो हैं, कुकी चिन कम्युनिटी, एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो लोग हैं ये म्यांमार के अंदर में प्रेजेंट है और वहाँ पर भी इन्होंने अपनी आर्मी बना रखी है। तो कुकी चिन कम्युनिटी के जो मिलिटेंट्स हैं उनको लगातार म्यांमार से भी सपोर्ट मिलता रहता है। और क्योंकि बॉर्डर देखो मैंने आपको दिखाया था कि बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी घटना को अंजाम देते हैं मणिपुर में तो फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में, क्योंकि हिली रीजन भी है तो इस पर देख रेख करना भी बहुत मुश्किल होता है इस बॉर्डर पर, तो ये लोग आराम से क्रॉस कर सकते हैं मणिपुर के थ्रू। तो ये प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। अब मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ दूसरी चीज़ पर। अब ये प्रॉब्लम जो थी 1980s के टाइम पर, ये वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपस में कम्युनिटीज़ में। मैथी कम्युनिटी डिमांड कर रही है ST स्टेटस, उसके लिए वो रोड पर आ रहे हैं। कुकी चिन कम्युनिटी डिमांड कर रही है कि नहीं, मैथीज़ को ST स्टेटस नहीं मिलना चाहिए और वो डिमांड करे डोमिनेंट स्टेटस की। नागालैंड अब का अलग नागा इंसर्जेंसी चल रही है जो ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं, सब रोड पर आ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं आपस में। तो ये ट्राइब्स दो तरफ की बैटल लड़ रही हैं, एक आपस में लड़ रही हैं और दूसरी गवर्नमेंट से भी लड़ रही हैं लगातार, और आपस में इन लोगों में सुलह भी नहीं है। ये सब अपनी अपनी ग्रुप्स की अपनी अपनी आर्मीज बनाए हुए हैं। तो 1980 में सिचुएशन बहुत वहां की खराब हो जाती है, काफी वायलेंस हो जाता है वहां पर, और उसकी वजह से सरकार जो है वहाँ पे आसफा लगा देती है, उसको डिस्टर्ब्ड स्टेट घोषित करती है और वहाँ पर आसफा लगा देती है, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजंस एक्ट। अब आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट आपको पता है इससे क्या होता है, इससे उस एरिया में जहाँ पर ये लगा है, जिन डिस्ट्रिक्ट में ये लगा है, वहाँ पर आर्मी डिप्लॉय होती है और आर्मी का हैंडल करने का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो शूट ऑन साइट कर देते हैं, जिस पर भी शक होता है उसको उठा लेते हैं, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं।
इस आसपा के अंदर में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में भी लगा हुआ था। तो ये आसपा के बाद क्या होता है कि मणिपुर के लोग जो हैं वो और एंग्री हो जाते हैं और जो ये वायलेंस था वो और ज़्यादा बढ़ते चला जाता है। पहली बार सही तरीके से जो कोशिश थी कि मतलब मणिपुर के अंदर में इस वायलेंस को ख़त्म किया जाए वो साल 2008 में होती है। उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी साल 2008 के अंदर में, और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पहली कोशिश की थी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और साल 2008 में मनमोहन सिंह जी की यूपीए गवर्नमेंट थी और स्टेट गवर्नमेंट में भी मणिपुर में कांग्रेस की ही सरकार थी। तो इन दोनों ने मिलकर के एक ट्रिपटाइट अग्रीमेंट साइन किया साल 2008 में, जिसको कहा जाता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस। अभी जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो साइन हुआ था अग्रीमेंट, बेसिकली वो तीन लोगों के बीच में हुआ था। ये ट्रिपटाइट अग्रीमेंट इसीलिए इसको कहते हैं, एक तो यूनियन गवर्नमेंट थी हमारी, और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो थी, और उसके साथ साथ 25 जो कम्युनिटीज थी जो कि काफ़ी डेंजरस ग्रुप्स थे, मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उनके साथ में ये अग्रीमेंट साइन होता है जिसको हम सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। इस अग्रीमेंट में कई सारे टर्म्स थे कि जो ग्रुप्स हैं मिलिटेंट कैंप्स बना करके ऑपरेट कर रहे हैं, ये शहर से कई बहुत दूर चले जाएंगे, हिली रीजन्स में आइसोलेटेड एरियाज में ये अपने कैंप बनाएंगे, उस कैंप में ये हथियार नहीं रख सकते हैं, हथियार इनके एक जगह पर होंगे एकत्रित, और जो इनका स्टेट कमांडर होगा सिर्फ उसके पास उसकी चाबी होगी और स्टेट गवर्नमेंट के पास उसकी चाबी होगी, ऐसी तमाम शर्तें उस 2008 में लिखी गई थी। और उसमें सरकार ने इनको प्रॉमिस ये किया था कि सरकार इनको इनके जिनके जो जो डिमांड्स हैं उनको पूरी करने की कोशिश करेगी। हालांकि कुकी कम्युनिटी को इन्होंने साफ मना कर दिया था डोमिनेंट स्टेटस के लिए, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाए जाने की बात कही जा रही थी। अब देखो, कुकी कम्युनिटी को यह भी एक बहुत बड़ा इशू रहा था कि उनका कहना यह था कि असेंबली में टोटल 60 सीटें हैं मणिपुर की असेंबली में, और 40 सीटें जो हैं वो इम्फाल वैली की हैं। इम्फाल वैली की सीटें का मतलब यह है कि वहां पर मैती कम्युनिटी का रूल है, और बाकी की जो 20 सीटें हैं सिर्फ वो कुकी कम्युनिटीज के पास आती है। तो उनका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं किया गया है, तो दोबारा से परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन भी मणिपुर के अंदर में करवाया जाना चाहिए, ये भी उनकी एक डिमांड है, प्रमुख डिमांड है। तो ऐसी कई सारी डिमांड्स रखी गई थी सरकार के सामने उस समय पर, सरकार ने कहा था हम इस पर काम करेंगे, लेकिन सरकारें क्या करती रहीं, साल 2008 में ये तो कर दिया मेजरली, लेकिन उसके बाद इसको टालती रहीं। 2014 में सरकार चेंज होती है, दूसरी सरकार भी सेम वही करती है, इस पूरे इशू को टालने की कोशिश करती है, लेकिन 2017 में वहाँ पर एक बहुत बड़ा उलटफेर होता है, और मुझे लगता है इस उलटफेर के बाद चीज़ें जो है थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी मणिपुर के अंदर में, जो मैंने बताया। अब वहाँ पर जब गवर्नमेंट चेंज होती है 2017 के अंदर में, चुनाव जो होते हैं उससे पहले एक घटना होती है, जो आप फोटो देख रहे हैं तस्वीर, ये एन बीरेन सिंह की तस्वीर है जो अभी मणिपुर के सीएम है, उस समय डिफेक्ट करके 5 MLA को लेकर के सरकार गिरा देते हैं और ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी चुनाव जीत जाती है, और बीजेपी चुनाव जीतने के बाद का सबसे बड़ा रीज़न वहाँ पर ये एन बीरेन सिंह थे, काफ़ी बड़े नेता थे, उस समय मिनिस्टर भी हुआ करते थे, और ये एन बीरेन सिंह पर आप ध्यान रखिएगा कि ये मैती कम्युनिटी से आते हैं। अब ये मैती कम्युनिटी से सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे जितने बड़े नेता आप मणिपुर के उठाओगे, अब जितने भी सीएम उठा लो, चलो आप बड़े नेता तो छोड़ो सीएम उठाओ, वो सारे मैती कम्युनिटी से आते हैं। सिर्फ 2 CM ऐसे हैं जो कि कुकी कम्युनिटी से आते हैं। तो एन बीरेन सिंह बनते हैं मैती कम्युनिटी से, ये सीएम होते हैं, इनके ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगता रहा कि मैती कम्युनिटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट करते हैं। अभी आपको आगे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, आप खुद ही जज कर लेना। तो इस मैती कम्युनिटी के सीएम बनने के बाद 2017 से चीज़ें 2022 तक तो ठीक चलती है, वायलेंस छुटपुट रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अग्रीमेंट किया गया था साल 2008 में, इसने काफ़ी अच्छा काम किया था, और एनडीए की जो सरकार थी वो भी पूरी तरीके से इस अग्रीमेंट के समर्थन में थी कि ये अग्रीमेंट जो है कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते रहेंगे तो एक शांति का प्रतीक रहेगा, ये शांति बनी रहेगी इस पूरे वैली के अंदर में। और उन मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि इसमें शामिल नहीं भी थे उनसे भी लगातार बात चल रही थी, जो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप्स थे जिनको बाहर से सपोर्ट था उनको बाहर भगा दिया गया था, म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस करवा के वापस वो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी कोशिश ये की थी जो इंडिया के खुद के ग्रुप्स हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही थी सरकार द्वारा, लेकिन 2023 का एक ऑर्डर आता है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है, 2017 में तो इनकी सरकार बन जाती है, उसके बाद इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम कुकी कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी, खुद इनका भाषण है, अमित शाह जी का वहाँ पे भाषण है, कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको ज़रूर सुनने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है 2022 में कुकी कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी ने भी इनको वोट किया था, तो 2022 में इनकी फिर से सरकार बन जाती है इसी प्रॉमिस के ऊपर में कि हम तीनों कम्युनिटीज़ की बात सुनेंगे और तीनों कम्युनिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, साल 2023 में एक हाई कोर्ट का डिसीजन आता है जिसके बाद पूरे मणिपुर में एक्चुअल में वायलेंस शुरू होते हैं। ये डिसीजन हाई कोर्ट का ये था कि हाई कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि जो ये डिमांड है मैती कम्युनिटी की,
कि मुझे एसटी का स्टेटस चाहिए, इस डिमांड पर आपको कोई एक्शन लेना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट एक रिकमेंडेशन भेजे और रिकमेंडेशन भेजे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे कि भाई आप कमेटी बना करके ये चीज़ डिफाइन करो कि मैथी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, और ये पूरा डिसीजन 4 वीक में करना है आपको। तो उसके बाद 2023 और 24 में चुनाव थे, तो इनको पता था कि अगर हम ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मणिपुर में तो सरकार गिरनी तय है और मणिपुर में वायलेंस भी काफ़ी इरप्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कुकी कम्युनिटी और नागा कम्युनिटी की अपराइजिंग। वो निराश हो जाएंगे इस चीज़ से कि मैथी कम्युनिटी को आपने कैसे एसटी स्टेटस दे दिया। क्यों निराश हो जाएंगे आप समझिएगा कि अगर सबको ही एसटी स्टेटस दे दिया, मैथी कम्युनिटी को भी, कुकी को भी, नागा को भी मणिपुर में, तो फिर उसका मतलब क्या रह जाएगा? अगर आप देखो, अगर दो चीज़ें ऐसी हैं, यहाँ पर रिजर्वेशन के साथ आप खड़े हैं और नॉर्मल यहाँ पर बंदा खड़ा है, ठीक है, वो सारे परिवेश के साथ में, तो अब अगर आपको रिजर्वेशन आप ख़त्म करते हो, इनको नीचे लाते हो, तो रिजर्वेशन अगर आप ख़त्म करते हो तो वहाँ पर अपराइजिंग होगी, लोग उसके खिलाफ में जाएंगे। तो आपके लिए सबसे ईजी चीज़ क्या है कि आप इनको भी रिजर्वेशन दे दो और इनको भी बराबर ला दो। वही एग्जैक्टली मणिपुर में करने की कोशिश की गई कि मैथी कम्युनिटी को भी अगर एसटी स्टेटस मिल जाता है तो फिर इसके मतलब ही नहीं रह जाएगा मणिपुर के अंदर में। जो स्टेट से सारा कुछ, जो यूनियन से सारा कुछ प्रॉफिट मिल रहा है उनको, वो तो सबको मिलेगा, तो सब एक बराबर हैं फिर वहाँ पर। तो जो इनके पास एक्स्ट्रा एज है जो प्लेन रीजन में रहने का, डेवलप्ड होने का, वो तो हमेशा इनके पास रहेगा, वो तब भी दबाएंगे, अभी भी दबाएंगे, रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा है। तो ये सारे इशूज़ थे उसमें। तो अब क्या होता है कि 2023 में हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आता है, जिसके बाद कई सारी कुकी कम्युनिटी जो है वो रोड पर उतर कर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। अब इसमें प्रोटेस्ट करने के लिए, और उधर पैरेलली सरकार ने 1 साल का टाइम मांग लिया इसमें कि हाई कोर्ट से कम 1 साल का आप इसमें टाइम दीजिए, हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब जैसे ही सरकार ने बोला कि हम इसके ऊपर काम करेंगे, एक तो एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर ऊपर से आते हैं मैथी कम्युनिटी से, ऊपर से ये बोल दिया कि हम इस पर काम करेंगे, तो उसके बाद लोग जो है वो रोड पर आकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और पहली वायलेंस की घटना एक्चुअल में एक मणिपुर का जिला है, वहाँ पर इनकी रैली थी, एन बीरेन सिंह की, ये वहाँ पर रैली में पहुँचते हैं और कहा जाता है इन पर कई सारे इल्ज़ाम लगते हैं कि मैथी कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको ये मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम इल्ज़ाम लगते हैं। दोनों साइड की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर कुकी कम्युनिटी का जो स्टूडेंट ग्रुप था जो प्रोटेस्ट कर रहा था, वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने वहाँ पर पहुँचता है, लेकिन पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है, एक कोलैप्स हो जाता है उसमें और पुलिस उस कुकी कम्युनिटी के लोगों को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देती है। और उसके बाद वायलेंस जो है अलग अलग जगहों पर शुरू हो जाता है। जब कुकी कम्युनिटी के लोग वायलेंटली सड़क पर उतरते हैं, कई सारे ग्रुप्स जो कि प्रमुख ग्रुप था जो कुकी कम्युनिटी का मिलिट्री थी उनकी, जो प्रमुख उसमें टॉप मिलिट्री थी, जो 25 लोगों ने इसको साइन किया था, उसी में से कुछ ग्रुप्स ने हथियार उठा लिए और इस पूरे अग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया। वो रोड पर आ गए, उसके अगेंस्ट में मैथी कम्युनिटी के कई ग्रुप्स भी रोड पर आ गए और उसके बाद पूरा क्लैश हो गया। अब ये सारी चीज़ें मणिपुर में चलती रहीं, लेकिन 80 दिन तक किसी भी मणिपुर के ना गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, ना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ना किसी यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने इस बारे में बात तक नहीं की। 80 दिनों तक ये वायलेंस चलता रहा। ये वायलेंस जो है 80 दिनों तक सिर्फ मेंस पर नहीं चला, बल्कि विमेंस के कई सारे वीडियोस इसमें वायरल होते रहे, विमेंस के साथ गैंगरेप होता रहा, 2 विमेंस को नेकेड परेड किया गया, वो कुकी कम्युनिटी की विमेंस थी, जिसके बाद वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया मणिपुर के अंदर में और कोई भी सरकार का ऑफिशियल इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना था और उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा था? मेन स्ट्रीम मीडिया उस टाइम पर, वो एक लड़का था सचिन और वो कोई पाकिस्तान से औरत आई थी इंडिया में, वो शादी किया था, उनकी स्टोरी दिखा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया और किसी ने भी मणिपुर वायलेंस के बारे में कोई बात नहीं करी। उसके बाद क्या होता है, 80 दिन बाद एक वीडियो वायरल होता है, 2 वुमेंस को परेड कराया गया था नेकेड। वो वीडियो बहुत ज़्यादा गुस्सा, आक्रोश लेकर के आता है पूरे देश में, पूरे देश में लोग ट्वीट करते हैं, पूरे देश में लोग लिखते हैं मणिपुर वायलेंस के बारे में। और उसके बाद पहली बार वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह ने आकर के कहा कि हम इसके ऊपर कड़े एक्शन लेंगे। अब इनकी तरफ से ना देखोगे अगर आप, तो किसी भी स्टेट में अगर ऐसा कोई वायलेंस की सिचुएशन आती है और आप पूरी स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है, आप उसको नहीं संभाल पा रहे हो, तो सही तरीके से आपको वहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का एग्जांपल था, बाबरी मस्जिद प्रकरण हुआ था, जिसके बाद कल्याण सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वही सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग एन बीरेन सिंह से और कई लोगों ने इनका इस्तीफा मांगा, लेकिन इन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि एक पर्सन ने ट्विटर पे लिखा था कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उसके बदले में इन्होंने लिखा कि तुम क्या म्यांमार से हो क्या, इंडियन नहीं लगते हो तुम। तमाम ऐसी चीज़ें ये ट्वीट करते रहे, उसको डिलीट करते रहे और इनके मिसमैनेजमेंट की वजह से मणिपुर में वायलेंस और ज़्यादा बढ़ता गया। इवन पुलिस, मैं आपको बताऊं स्टेट मशीनरी का क्या हाल था, पुलिस जो थी, जो कुकी कम्युनिटी की पुलिस थी, मतलब जो कि कुकी कम्युनिटी के लोग थे वो पुलिस में भर्ती थे, स्टेट के लिए काम कर रहे थे, सरकार के लिए काम कर रहे थे, वो कुकी कम्युनिटी की तरफ से हो जाते हैं। और वही सेम मैथी कम्युनिटी का भी था कि उनका जो लोग थे अपने पुलिस में थे वो
अपनी कम्युनिटी के साथ हो जाते हैं। कई सारे थाने लूट लिए गए और कहा ऐसा जाता है कि लूटे नहीं गए, जिसके कम्युनिटी जो थी उन्होंने उनको अपने हथियार दे दिए स्टेट गवर्नमेंट के, और उसके बाद ये क्लैश होने लग गया। जितनी रिपोर्ट्स लिखाई गई किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में मिल चुके थे। इवन कुकी कम्युनिटी का ये कहना है कि जो असम राइफल्स है ये बेसिकली मैथी कम्युनिटी को सपोर्ट करती है और इसीलिए ये लोग अब घुसने नहीं देते हैं असम राइफल्स को अपने गांव के अंदर में, उन्होंने खोद दिया है और मिलिट्री के खिलाफ ऐसे एक्शंस करने को कह रहे हैं कि नहीं असम राइफल्स नहीं घुसनी चाहिए। तो इस तरीके के भी एलिगेशंस वहां पर मणिपुर के अंदर में लगाए गए हैं। और एन बीरेन सिंह इस सब को कंटेन करने के लिए पूरी तरीके से फेल होने के बावजूद इन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। और वही इसी कड़ी में आज जो आप पूरा अटैक देखते हो मिलिटेंट अटैक, वो इनके ऊपर हुआ है। तो टैग है ही इनके ऊपर कि पूरी तरीके से इन्होंने मिसमैनेजमेंट कर दिया मणिपुर के अंदर में, उसके बाद मैथी कम्युनिटी का ऑलरेडी टैग है। तो कहीं ना कहीं जो ये मिलिटेंट अटैक हुआ है, ऑब्वियस सी बात है आप समझ गए होंगे किसने किया होगा, कुकी कम्युनिटी का इसमें जरूर से कुछ ना कुछ हाथ होगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी टीम ने ना इस बार यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर में 300 से भी ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंक वन आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो जो अनअकैडमी की सक्सेस है इसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस, जिसमें 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तक आपके रुपए लग जाते थे, उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। और इस प्राइस ड्रॉप में जिसमें आपके 1.5 लाख रुपए लग जाते थे, उसको हमने ड्रॉप करके 29,999 कर दिया है। इस कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ाएंगी। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको APYT10 यूज करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, मणिपुर इशू का ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं गया, बट ये वैसे तो ये इशू काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे मणिपुर वायलेंस के ऊपर, आपको एक एक चीज़ प्रूफ करके समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।